स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। मूवी भीरूपक्षा और मूवी सेंगिस दोनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे 28 डेज यानी 28 दिन कंप्लीट हुई है। तो इस वीडियो के अंदर सेंगिस और भीरूपक्षा मूवी के 28 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। साथ ही साथ मूवी छत्रपति रिलीज के आज पूरे फर्स्ट वीक यानी 7 डेज कंप्लीट हुई है। तो इस वीडियो के अंदर छत्रपति मूवी के 7 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें मूवी भीरूपक्षा के बारे में, दोस्तों मूवी भीरूपक्षा सही धर्म तेज स्टार मूवी भीरूपक्षा, इस मूवी के टोटल बजट थे पूरे 20 यानी 20 करोड़ और इस मूवी के वर्ल्ड वाइडली जो थिएटरिकल राइट्स बिके थे पूरे 25 करोड़ में, यानी इस मूवी को हिट होने के लिए ओनली 26 करोड़ के ऊपर कलेक्शन चाहिए था। लेकिन कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी भीरूपक्षा ऐसे तो रिलीज के आज पूरे 28 डेज कंप्लीट हुई है, लेकिन उससे पहले इस मूवी ने अपने 26 यानी 26 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, भीरूपक्षा मूवी ने 26 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 100 करोड़ का, ये ऑफिशियल अपडेट है। उसके बाद की कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों कल इस मूवी ने अपने 27वें दिन पे जो वर्ल्ड वाइडली ग्रोस कलेक्शन किया था पूरे 1 करोड़ 60 यानी 60 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 28वें दिन यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों सोर्सेस से पता चला है ये मूवी आज इंडिया के साथ साथ ओवरसीज कलेक्शन को जोड़ के टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई करने लगे हैं वो लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी की अगर 28 दिनों के टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ा जाए तो दोस्तों सही धर्म तेज स्टोर मूवी भीरूपक्षा के 28 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 103 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है भीरूपक्षा मूवी के 28 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन चुकी हुई है पूरे 103 करोड़ का। दोस्तों इसके साथ कहना चाहूंगा भीरूपक्षा मूवी बॉक्स ऑफिस पे हो चुकी है डबल ब्लॉकबस्टर मूवी। यहाँ पे अगर बात करें मूवी सेंगिस के बारे में, सुपरस्टार जीत सर की मूवी सेंगिस जो मूवी ऑल्सो रिलीज के पूरे 28 डेज कम्प्लीट हुई है। दोस्तों सेंगिस मूवी के कलेक्शन भी अनस्टॉपेबल, मतलब ये मूवी अपने पास भी हफ्ते पे भी बहुत ही बढ़िया बिजनेस करेगी। सेंगिस मूवी ऑलरेडी सुपर हिट मूवी हो चुकी है और कलेक्शन को देखते हुए ऐसा लगता है ये मूवी ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। इस मूवी का टोटल बजट है पूरे 5 करोड़। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी सेंगिस ने अपने पहले हफ्ते में जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ 45 लाख रुपए, अपने दूसरे हफ्ते में जो नेट कलेक्शन कर लिया था मूवी सेंगिस ने पूरे 1 करोड़ 42 लाख रुपए, अपने तीसरे हफ्ते में जो नेट कलेक्शन कर लिया था मूवी ने पूरे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 4वें हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों सेंगिस मूवी आज पूरी तरह से, इस मूवी के 4वां हफ्ता भी पूरी तरह से कम्प्लीट हुई है। आज भी जो कमाई होने लगे है बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन वो लगभग 4 लाख रुपए, और आज के कलेक्शन को के अपने 4वें हफ्ते में इस मूवी ने टोटल जो नेट कलेक्शन किया है जानकारी के मुताबिक वो लगभग 58 यानी 58 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों मूवी सेंगिस के 28 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 6 करोड़ 55 लाख रुपए, जबकि 28 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन होते हैं मूवी सेंगिस के पूरे 8 करोड़। और यही है दोस्तों सुपरस्टार जीत सर की मूवी सेंगिस के 28 दिनों का टोटल नेशन वाइड ग्रोस कलेक्शन चुकी हुई है पूरे 8 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है 8 करोड़ कलेक्शन हुआ है मूवी सेंगिस के 28 दिनों में, और भी कलेक्शन होगी। यहाँ पे अगर बात करें मूवी बेल्लम कोंडा सई श्रीनिवास स्टार मूवी छत्रपति के बारे में, तो दोस्तों छत्रपति मूवी के टोटल बजट थे पूरे 25 यानी 25 करोड़ का। बात की जाए दोस्तों कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने पहले दिन जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 45 लाख रुपए, अपने दूसरे दिन नेट कलेक्शन किया था पूरे 55 लाख रुपए, अपने तीसरे दिन नेट कलेक्शन किया था पूरे 65 लाख रुपए, अपने 4वें दिन पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 27 लाख रुपए, अपने 5वें दिन पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 26 लाख रुपए, अपने 6वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 23 यानी 23 लाख रुपए। बात की जाए आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों जानकारी के अनुसार ये मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कमाई करने लगे हैं वो लगभग 15 लाख रुपए। और इसके साथ दोस्तों मूवी के 7 दिनों का यानी फर्स्ट वीक के टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं मूवी छत्रपति की पूरे 2 करोड़ 56 लाख रुपए, जबकि 7 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 2 करोड़ 90 लाख रुपए। और इन 7 दिनों में टोटल जो कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से वो लगभग 70 यानी 70 लाख रुपए। यानी दोस्तों बल्लम कोंडा सई श्रीनिवास स्टार मूवी छत्रपति ने
अपने फर्स्ट वीक यानी शुरुआती 7 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन कर लिया है पूरे 3 करोड़ 60 लाख रुपए और इसके साथ दोस्तों मूवी हो चुकी है बुरी तरह से फ्लॉप। तो दोस्तों इन तीनों मूवी में से अगर आपने किसी मूवी को देखा है तो बताइए आपने कौन सी मूवी देखा है और मूवी कैसी बनी है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह के मूवी से अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस के खबरें के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।